बेईमान चाहे मैं ये कह रहा हूँ, कानून के अंदर रह करके कानून की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी डीसीपी साहब आए हैं, कहा कि या तो आप सलाफत से अपने घर चले जाइए और नहीं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर लाठीचार्ज करा जाएगा और आपकी 6-6 महीने जमानतें नहीं होंगी। ये कौन सा कानून है? ठीक है, आप लोगों की मांगे रखनी है। हम मनोहर यादव से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने हमें अगवा वो करा था गुमराह 8 महीने पहले कि भाई तुम लोगों के जो है हम लोग 8 महीने के टाइम दिए, मैं तुम्हारी मांग डिमांड खत्म कर दूँ। आज वही मांग तुम्हारी स्वच्छता के नाम पे फिर यहाँ आ गया, हम लोग आज फिर रोजी रोटी के लिए यहाँ पड़े हुए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है, स्वच्छता अभियान प्रमोट हो रहा है, जमीन पर आप लोगों के हाथ में लेकिन कमांड क्या कहेंगे इस मामले में? वो तो सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मजदूर है, जो सफाई से वैसा काम कर रहा है, जो यहाँ पे 5-5-6 आदमी सीवर के डूब के मर जाते हैं, ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है उनके लिए? हम लोगों की पेट पर रोजी रोटी पेट पर लात मार रही है, ये हम इसका विरोध करते हैं, मनोज तिवारी का, बीजेपी का। और खासकर ठाकुर जो है नंदन, हम उसका विरोध करते हैं। साहब जी के पे झाड़ू लगाया जा रहा है, सब कूड़ा उठाया जा रहा है, जो हमारे कर्मचारी भाई जो है अपने बड़े झाला खा रहे हैं, बड़े ही अपने कार्य करते 8-8 घंटे काम करते, लेकिन ना यहाँ समय पे सैलरी है, ना यहाँ पे हमें कोई भर्ती का कोई प्रावधान है, ना ही हमारे पैसे दिए, हम 2300 रुपये मायने के कर्मचारी है।